पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिग को मिलने आए हैं। दादी पिग, दादी एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, घर में अंदर आने से पहले जूते निकालो। जी दादी। पेपा, जॉर्ज, देखो मैंने क्या बनाया, छोटे पर्दे। ये छोटे पर्दे क्यों बनाए दादी? ये एक सरप्राइज है, तुम्हें देखना है दादा पिग ने बगीचे में तुम्हारे लिए क्या बनाया है। जी दादी। दादा पिग, दादा एग। हेलो पेपा और जॉर्ज, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, एक ट्री हाउस। एक ट्री हाउस जॉर्ज और मेरे लिए? और ये छोटे पर्दे तुम्हारे ट्री हाउस के लिए। पेपा और जॉर्ज को उनका ट्री हाउस बहुत पसंद आया। थैंक यू दादी पिग, थैंक यू दादा पिग। पहले अंदर कौन जाना चाहेगा? मैं। तो फिर चलो। अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ, मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। जॉर्ज, क्या तुम्हें भी ट्री हाउस में जाना है? बताओ कौन है? जॉर्ज नाम का एक नौजवान तुमसे मिलना चाहता है, क्या वो अंदर आ सकता है? हाँ, पर उसे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। जॉर्ज, अपने जूते उतारो और फिर पेपा को मिलने ट्री हाउस में जाओ। कौन है? जॉर्ज? अब कौन है? मैं हूँ मम्मी पिग, क्या तुम्हारे पास मेहमानों के लिए जगह है? आपको सीक्रेट कोड बताना होगा, उसके बाद ही आप अंदर आ सकती हैं। अच्छा जी, और वो सीक्रेट कोड क्या है? मुझे आपके कान में बताना होगा, सीक्रेट कोड है डैडी का बड़ा पेट। ओ अच्छा। सीक्रेट कोड बताइए। डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब, डैडी का बड़ा पेट। मुझे लगता है ये सीक्रेट कोड बहुत ही बकवास है। मम्मी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे। हाँ पापा। डैडी आप भी अंदर आ सकते हैं। सीक्रेट कोड बताइए डैडी। क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है? नहीं। नहीं तो ठीक है, डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब। अब आप अंदर आ सकते हैं डैडी, अपने जूते उतारिए। मुझे नहीं लगता मैं दरवाजे से अंदर आ पाऊंगा। क्योंकि आपका पेट बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं, डैडी पिग ऊपर से जा सकते हैं। पेपा, जॉर्ज, मम्मी पिग और डैडी पिग सभी ट्री हाउस में हैं। दादी, मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है, मुझे कभी बाहर नहीं आना। अच्छी बात है पेपा, क्या तुम्हें मेरे घर पर मुझसे मिलने नहीं आना? नहीं, मुझे नहीं आना। तो फिर कुकीज जो मैंने घर पे बनाई हैं, वो हम दोनों ही खा लेते हैं। कुकीज। दादी पिग। ये रही तुम्हारे लिए कुकीज, पर अगर तुम्हें अंदर आना है तो सीक्रेट कोड बताना होगा। ये आसान है, डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब। मुझे अब भी लगता है कि ये सीक्रेट कोड बड़ा बकवास है। द स्कूल फेट। आज स्कूल मेले का दिन है, पापा को मेले में आना अच्छा लगता है। ये हैं पेपा के दोस्त, कैंडी कैट, सूजी शिप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। हेलो दोस्तों। हेलो। मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है।
मुझे भी। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? फेस पेंटिंग करना। गुब्बारे पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा उछलने वाला कासल पसंद है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। हो, बहुत अच्छी पसंद है पेपा। फिर मिलेंगे पेपा। फिर मिलेंगे। जॉर्ज, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? डायनासोर। ओह डियर, मेले में कोई डायनासोर नहीं है जॉर्ज। शायद हम एक डायनासोर गुब्बारा ले सकते हैं। आपको यकीन है उनके पास डायनासोर गुब्बारे हैं डैडी पिग? हाँ हाँ, जरूर होंगे मम्मी पिग। क्या पहले मैं और जॉर्ज अपना मुंह पेंट कर ले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिस रैबिट ने पेपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है। तो ये लो सूजी, अब तुम एक टाइगर जैसी लगती हो। थैंक यू मिस रैबिट। वाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छा लगा सूजी। क्या तुम पुसी कैट हो? नहीं, मैं टाइगर हूँ। पेपा, तुम अपना चेहरा पेंट कराना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे बनना है एक एलिफेंट। ओ डियर, मैं एलिफेंट बनाना नहीं जानती, मैं टाइगर बना सकती हूँ। ठीक है, टाइगर बना दीजिए। लो हो गया पेपा, अब तुम एक टाइगर हो। मैं टाइगर हूँ। जॉर्ज, तुम क्या बनना चाहते हो? डायनासोर। एक डायनासोर? उसके बजाय एक टाइगर कैसा रहेगा? मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ। मैं टाइगर हूँ। मैं भी। टाइगर्स वुफ वुफ नहीं बोलते। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लियाँ होते हैं। और मैं एक बिल्ली हूँ। कैंडी, क्या तुम हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं? ओके। टाइगर बहुत धीरे धीरे चलते हैं और फिर कूदते हैं। टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं, पर जब टाइगर खुश होते हैं तब वो पर करते हैं पर। हेलो बच्चों, ओ ये क्या है? तुम सब टाइगर्स हो। और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं। तुम छोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो? डायनासोर। बिल्कुल ठीक, हमें जॉर्ज के लिए एक डायनासोर गुब्बारा ढूंढना है। तुम सबको गुब्बारे दिलाते हैं। हेलो मैडम गजेल, हमें कुछ गुब्बारे चाहिए। जरूर, मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुब्बारे हैं। क्या मैं एलिफेंट का गुब्बारा ले सकती हूँ? ये तुम्हारे लिए पेपा। मुझे कांगारू चाहिए। एक लायन वाला। मुझे मंकी चाहिए। एक पैरट वाला। ओ हाँ, मेरे पास ये सब हैं। और सबसे जरूरी है, हमें एक डायनासोर का गुब्बारा चाहिए जॉर्ज के लिए। ओ डियर, मेरे पास डायनासोर का कोई गुब्बारा नहीं है। फिक्र मत करो जॉर्ज, मेरे पास एक आइडिया है। क्या हम ये दो लंबे गुब्बारे ले सकते हैं? सब लोग उसको देखो। डैडी पिग गुब्बारे से क्या कर रहे हैं? बन गया। क्या कोई बता सकता है ये क्या है? क्या ये कांगारू है? नहीं, ये है डायनासोर। बिल्कुल ठीक, डायनासोर। डैडी पिग ने एक डायनासोर गुब्बारा बनाया। डायनासोर, अब वो उछलने वाला कासल। पापा को उछलने वाले कैसल में उछलना पसंद है। सबको उछलने वाले कैसल पर उछलना पसंद है। The Tooth Fairy. पेपा और जॉर्ज अपना फेवरेट खाना खा रहे हैं, नूडल्स। हो, कितना शोर मचा रहे हो। खत्म हुआ। हाँ, अब हमें थोड़ी शांति मिलेगी। ये क्या है? ये दांत है। ये कहाँ से आया? पेपा, तुम्हें जाकर आईने में देखना चाहिए। ये तो मेरा दांत।
गिर गया। फिक्र मत करो पेपा, ये दूध का दांत है, वो तो गिरते ही है। नया दांत आ जाएगा ना मम्मी? हाँ जरूर आएगा पेपा, इसका ये मतलब है कि आज टूथ फेरी तुमसे मिलने आएगी। टूथ फेरी? हाँ टूथ फेरी। अगर तुम अपना दांत तकिए के नीचे रखोगी तो टूथ फेरी आएगी। टूथ फेरी तुम्हारा दांत लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी। जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूंगी। हो, 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 हो। और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज? डायनासोर। एक डायनासोर। जल्दी करो जॉर्ज, सोने का वक्त है, नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे। सोने से पहले पेपा और जॉर्ज अपने दांत ब्रश करते हैं। पेपा तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांत ब्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए वो अच्छा और साफ हो। पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है। पेपा अपना टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रखती है टूथ फेरी के लिए। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट प्यारे बच्चों। जॉर्ज मैं तो सोऊंगी नहीं। चलो हम दोनों पूरी रात जागते हैं और टूथ फेरी से मिलते हैं। ये टूथ फेरी कब आएगी? हाँ टूथ फेरी को आने में काफी देरी हो रही है। कहाँ है वो टूथ फेरी? वो आवाज कैसी थी? क्या वो टूथ फेरी है? जॉर्ज क्या तुमने कुछ सुना? ओह जॉर्ज। ओह ये आवाज तो जॉर्ज के खर्राटों की है, वो इतना थका हुआ था कि सो गया। जॉर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता, पर मैं जग सकती हूँ। मैं जागते रहूंगी और टूथ फेरी को देखूंगी। मैं नहीं सोने वाली हूँ। आखिरकार टूथ फेरी आ ही गई, लेकिन पेपा सोई हुई है। हेलो पेपा, क्या तुम्हारे दांत के बदले में तुम्हें ये सिक्का चाहिए? वाह, कितना अच्छा और साफ दांत है। थैंक यू पेपा, गुड नाइट। पापा जॉर्ज उठ जाओ, सुबह हो गई। ओ, क्या मैं सोई नहीं थी? क्या टूथ फेरी आई थी? नहीं आई। चलो तकिए के नीचे देखते हैं। देखो पापा, टूथ फेरी आई थी और उसने तुम्हारे लिए गोल्ड कॉइन रखा। तुम सो गई थी है ना? हाँ शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेकिन अगली बार मैं जगी रहूंगी और टूथ फेरी से जरूर मिलूंगी। प्लेग्राउंड। पेपा और जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में हैं। कैंडी कैट और पेड्रो पोनी क्लाइंबिंग फ्रेम पर हैं। नहीं। रेबेका रैबिट, सुजी शीप और डैनी डॉग स्लाइड पर खेल रहे हैं। पेपा झूले पर झूल रही है। मम्मी मम्मी झूला झुलाओ ना। तुम तैयार हो? हाँ, मुझे बहुत ऊंचा जाना है। और ऊपर मम्मी। जॉर्ज को भी झूले पर झूलना है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। कस कर पकड़ो। मैं जॉर्ज को झुलाऊंगी। जॉर्ज को धीरे से झुलाना पेपा। जी मम्मी। कस के पकड़ना जॉर्ज। ओहो, पेपा ने जॉर्ज को बहुत जोर से झूला झुलाया। जॉर्ज को ये बिल्कुल पसंद नहीं। पेपा तुम्हें पता है जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। सॉरी जॉर्ज।
चलो वहाँ खेलते हैं। हेलो सूजी। हेलो डैनी। हेलो पेपा। तुम सब गलत कर रहे हो। झूलने का सही तरीका ये है, पीछे रहो, एक दो चलो। मेरी तरफ देखो, मैं पंछी की तरह उड़ रही हूँ। ओह, मैं फंस गई हूँ। पेपा टायर में फंस गई है। ये हंसने वाली बात नहीं है। हमें थोड़ी हंसी तो आ रही है। तुम्हें बाहर निकालना होगा। पेपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। जॉर्ज, क्या तुम्हें क्लाइंबिंग फ्रेम पर खेलना है? क्लाइंबिंग फ्रेम बहुत ऊंची है। जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। सॉरी जॉर्ज। अच्छा चलो स्लाइड पर खेलते हैं। स्लाइड, यिप्पी। पेपा को स्लाइड करना बहुत पसंद है। सबको स्लाइड करना पसंद है। मम्मी, डैडी, मुझे देखिए। एक दो चलो। ये जॉर्ज को भी स्लाइड पर खेलना है। तुम डरोगे तो नहीं ना जॉर्ज, ये थोड़ा ऊंचा है। ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा देता हूँ। ओफो, ये भी जॉर्ज के लिए बहुत ऊंचा है। डरो मत जॉर्ज, मैं साथ में स्लाइड करता हूँ। डैडी, आप इस स्लाइड के लिए बहुत बड़े हैं। कुछ भी मत कहो पेपा, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ। चलो पीछे हटो। एक दो तीन। डैडी पिक फंस गए। इसमें हंसने की क्या बात है? डैडी, आपको देखकर बहुत हंसी आ रही है। हाँ, शायद थोड़ी हंसी आ सकती है। हमें आपको नीचे ढकेलना होगा। डैडी का पेट उछलने वाले गुब्बारे जैसा है। जॉर्ज को डैडी के पेट पर उछलकर अच्छा लग रहा है। जॉर्ज को अब ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता। दादा पिग की बोट। दादा पिग, पेपा और जॉर्ज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं। तुम्हारा स्वागत है प्यारे बच्चों। पेपा, जॉर्ज, चलो लाइफ जैकेट्स पहन लो। दादा पिग की बोट पर पेपा और जॉर्ज को लाइफ जैकेट्स पहनने ही पड़ते हैं। पता है बच्चों, इस बोट का कैप्टन मैं हूँ। आई आई कैप्टन। आई आई कैप्टन। जब कैप्टन दादा तुम सबको कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए। बेवकूफी छोड़ कर। कैप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं कैप्टन दादा। जॉर्ज, झंडा लहराओ। पेपा, बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। दादी पिग, व्हील संभालो। आई आई कैप्टन। चलो चलते हैं। शायद आपको थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। तुमने सही कहा दादी पिग, मुझे अपना सारा पेट्रोल खत्म नहीं करना है। दादा पिग, तेज चलिए ना, अच्छा लग रहा था। जाएंगे बेटा जाएंगे, हम बाद में तेज जाएंगे। देखिए एक और बोट। ये है दादा डॉग। वो डैनी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आए हैं। कैसे हो डैनी और दादा डॉग? अहो, कैसे हो दादा पिग? हेलो डैनी। हेलो पेपा।
दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी तैर रही है दादा डॉग, वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है। ये पुरानी बोट तुम्हारी जंग लगी बाल्टी से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग। ओ अच्छा, तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं। हारने के लिए तैयार हो जाओ पानी पिग। आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा। आपने पहले उन्हें समुद्री डॉग कहा दादा, आपको सॉरी बोलना चाहिए। अगर उसने पहले सॉरी बोला तो बोलूँगा। दादा अपने दोस्त दादा पिग को सॉरी बोलिए, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं, वो पानी पिग है और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है। अच्छा तो ठीक है समुद्री डॉग, अगले ब्रिज तक रेस लगाते हैं। तो चलो तीन तक गिनते हैं। एक दो तीन। तुमने बहुत जल्दी शुरू किया। मुझे पकड़ के दिखाओ पानी पिग। समुद्री डॉग, बस इतना ही तेज भगा सकते हो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं जीत गया। ओ ये क्या, दादा पिग की बोट का पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत होशियारी की कैप्टन दादा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही तेज चला दी। हम वापस घर कैसे जाएंगे? वो देखिए दादा डॉग। दादा डॉग हमें खींच कर वापस ले जाएंगे। नहीं, मुझे उस समुद्री डॉग से अपनी बोट को नहीं खिंचवाना। मैंने उस पानी पिग को खींचने के लिए पूछा भी नहीं। क्या आप दोनों कभी बड़े होंगे? दादा पिग अब दादा डॉग को सॉरी बोलिए। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें समुद्री डॉग कहा। दादा दादा पिग को सॉरी बोलिए ना। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पानी पिग कहा। बहुत अच्छे दादा डॉग, क्या आप हमें खींच कर घर तक ले जाएंगे? और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी मैडम। इसे पकड़ो कैप्टन। ऑल राइट स्किपर। दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं। दादा डॉग दादा पिग की बोट को खींच कर घर ले जा रहे हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि मैं रेस जीत गया। दादा पिग शरारती दादा पिग। पेपा बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। लंच। पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिग के घर लंच पर आए हैं। दादी पिग, दादी एग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, खाने के लिए बगीचे से कुछ सब्जियां लाना चाहोगे? जी दादी। दादा पिग। दादी। हेलो पेपा जॉर्ज। ये है दादा पिग का सब्जियों का बगीचा। ये सारी सब्जियां उन्होंने खुद उगाई हैं। ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। चलो बच्चों खाने के लिए कुछ सब्जियां चुनते हैं। पेपा तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा पिग। जॉर्ज क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना। जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है। ओहो। तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पिग। ना। जॉर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं। ओफो। मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉर्ज को पसंद हो। क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक। जॉर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं। तो जॉर्ज तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चॉकलेट केक। बुद्धू जॉर्ज, चॉकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है। सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी। वाह, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा। पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा। पेपा और जॉर्ज दादी पिग की सब्जियां धोने में मदद कर रहे हैं।
बस अब धोना बहुत हुआ। दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया। दादा पिग, सबको लंच पे बुलाइए। लंच। दादी पिग ने खाने में पिज्जा बनाया है। और ये रहा सलाद, दादा के टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ। खाना शुरू करो। जॉर्ज ने अपना पिज्जा खाया, पर जॉर्ज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं। ओह जॉर्ज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं। जॉर्ज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो। या। जॉर्ज, ये खीरा है, दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है। याक। सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ओहो, रो नहीं जॉर्ज। देखो मैं क्या बनाता हूँ। अब ये बन गया है डायनासोर। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर बहुत पसंद है। जॉर्ज टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है। शाबाश जॉर्ज। थोड़ा और लोगे जॉर्ज? बढ़ गया। जॉर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते? जॉर्ज का पेट भर गया है। जॉर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता। ओ, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुल नहीं खाना चाहते? चॉकलेट केक। वाह वाह, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूख लग गई। कैंपिंग। पेपा और उसका परिवार कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। हम पहुंच गए। पापा, जॉर्ज, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है। डैडी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो पापा, मैं कैंपिंग में एक्सपर्ट हूँ। मम्मी पिग, लकड़ियों पर टेंट लगाओ प्लीज। देखा तुमने, कितना आसान है। ओ। क्या ये खूंटे किसी काम के हैं? बिल्कुल, मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया। पेग्स के सहारे टेंट खड़ा हो गया। हो गया। ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है। जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन अब ये छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डैडी पिग। और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है। पेट से याद आया, चलो खाना बनाते हैं। आग जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ जमा करनी होगी। पेपा और जॉर्ज कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। जॉर्ज, मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी और तुम इन्हें पकड़ लेना। लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, इतनी काफी है। बहुत अच्छा कैंप फायर है, अब जलाते हैं। ये रही माचिस। हमें माचिस की जरूरत नहीं है। डैडी, माचिस के बगैर कैसे जलाओगे? मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ, दो लकड़ियों को एक दूसरे पर घिस कर। डैडी पिग कैंप फायर जलाने के लिए दो लकड़ियाँ एक दूसरे पर घिस रहे हैं। आग कहाँ है डैडी? थोड़ा सब्र करो। वाह! देखा कितना आसान है। अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं। प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये कैसी आवाज है? ये कीड़ों की चीची आवाज है। ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो वहाँ पर। वाह! और ये कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा।
ये डैडी के पेट की आवाज है। मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है। इसका मतलब खाने का वक्त हो गया। मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है। मुझे भी। और अब सुनो डैडी पिग की एक और आवाज। क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं। हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे? ये तो बहुत छोटा सा है। सब ठीक है, जाओ तो अंदर। चलो मम्मी पिग, थोड़ी जगा दो मुझे। डैडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है। गुड नाइट डैडी पिग। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। सबको गुड नाइट। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज टेंट में सो रहे हैं और डैडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है, खुली हवा में तारों के नीचे सोना। शायद ये आइडिया कुछ खास नहीं था। सुबह हो गई है। डैडी, टेंट में बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। ओह, डैडी कहाँ है? डैडी पिग चले गए। बेचारे डैडी पिग, बारिश की वजह से उन्हें ठंड लग रही होगी। अब कहाँ है वो? ये कैसी आवाज है? ये तो खर्राटों की आवाज लग रही है। डैडी पिग। क्या हुआ? डैडी, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? कैंपिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं गाड़ी में आकर सो गया। बुद्धू डैडी पिग। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के घर खेल रहे हैं। ग्रैंडपा पकड़ो। पकड़ो। ओ, ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? मैं ये बीज बो रहा हूँ। बीज? बीज क्या करते हैं? बीज बड़े होकर पौधे बनते हैं। मैं बस एक छोटा छेद बनाऊंगा और उसमें बीज डाल दूंगा। फिर मैं इसे मिट्टी से ढक दूंगा और पानी डालूंगा। मेरे बाग की हर चीज इन छोटे बीजों से ही उगी है। ये बड़ा सेब का पेड़ भी? ओ हाँ, ये छोटा बीज बड़ा होकर एक छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा इस तरह। और ये छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा एक बड़ा सेब का पेड़ इस तरह। और इस सेब में बहुत सारे बीज हैं। और सेब के पेड़ उगाने के लिए? बिल्कुल ठीक। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, मुझे भी एक बीज लगाना है। क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ बिल्कुल। ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। पहले एक छोटा छेद बनाओ। फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी। क्या मैं इसमें पानी डालूं? नहीं नहीं, मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। पेपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा पेपा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पेपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरीज चाहिए। चिंता मत करो पेपा, अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा। और फिर हमें स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। हाँ। आओ चले पेपा। बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय स्ट्रॉबेरी। ग्रैंड
ग्रैंडपा पिग पेपा के स्ट्रॉबेरी के पौधे की देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद ग्रैंडपा पिग एक छोटे से पौधे को बड़ा हुआ देखते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा और बड़ा होता गया। फिर एक दिन ग्रैंडपा पिग को बहुत खास कुछ दिखा। स्ट्रॉबेरीज। ग्रैंडपा हम आ गए। पेपा और जॉर्ज फिर से खेलने आए हैं। ग्रैंडपा ग्रैंडपा क्या मेरा पौधा बढ़ गया? हाँ, देखो। स्ट्रॉबेरीज। शुक्रिया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा क्या हम कुछ और उगा सकते हैं? हाँ, अब जॉर्ज की बारी है लगाने की। हाँ जॉर्ज, तुम लगाओ गाजर। ग्रैंडपा, मेरे ख्याल से जॉर्ज गाजर लगाना चाहता है। जॉर्ज, क्या तुम गाजर उगाना चाहते हो? ना। तुम क्या उगाना चाहते हो? जॉर्ज ने कुछ सोच लिया है जो वो उगाना चाहता है। जॉर्ज उगाना चाहता है एक डायनासोर पेड़। तुम भी जॉर्ज, डायनासोर पेड़ पर नहीं उगते हैं। Frogs and worms and butterflies. पेपा और जॉर्ज गार्डन में ग्रैंडपा की मदद कर रहे हैं। वाह! कितनी सुंदर बटरफ्लाई है। ग्रैंडपा, बटरफ्लाईज को फूल क्यों पसंद है? उन्हें फूलों से अपना खाना मिलता है। कैसे? उनकी बहुत लंबी जीभ होती है। मुझसे भी लंबी? ओ हाँ, बटरफ्लाई की जीभ तुम्हारी जीभ से भी लंबी होती है, इससे वो फूलों का रस पीती है। वाह! पेपा, बटरफ्लाई को लगता है कि तुम एक फूल हो। लेकिन मैं फूल नहीं हूँ, मैं पेपा पिग हूँ। ये कितनी प्यारी है, मैं एक बटरफ्लाई बनना चाहती हूँ। पेपा बटरफ्लाई बनकर खेल रही है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। जॉर्ज, मैं बटरफ्लाई हूँ, तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते? मुझे पता है, तुम रेंगने वाले वर्म बन सकते हो। देखो देखो, मैं एक बटरफ्लाई हूँ। ओह डियर, जॉर्ज वर्म नहीं बनना चाहता, वो बटरफ्लाई बनना चाहता है। जॉर्ज, जब मैं छोटा पिगी था, मुझे वर्म बनकर खेलना पसंद था। वर्म बनना बहुत आसान है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। पहले तुम्हें जमीन पर लेटना होगा, फिर इस तरह रेंगना होगा। मैं एक रेंगने वाला वर्म हूँ। जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग को रेंगने वाले वर्म्स बनकर बहुत मजा आ रहा है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ, मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। देखो देखो, मैं छोटी बटरफ्लाई हूँ। हाँ पेपा, तुम एक सुंदर बटरफ्लाई हो। ग्रैंडपा, जॉर्ज अब क्या कर रहे हैं? हम रेंगने वाले वर्म्स हैं। मैं भी रेंगने वाला वर्म बनना चाहती हूँ, मैं रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं एक रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म, मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। आप कैसे हैं? आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। वो बहुत अच्छा था। अब तुम कौन सा जानवर बनना चाहते हो? मैं नहीं जानती। देखो ग्रैंडपा, यहाँ एक छोटा फ्रॉग है। तुम फ्रॉग बनकर क्यों नहीं खेलते?
फ्रॉग इतने प्यारे नहीं होते जितने बटरफ्लाई, और वो ऐसे नहीं रेंगते जैसे वर्म। लेकिन फ्रॉग से एक खेल खेलते हैं जो तुम्हें पसंद है। क्या फ्रॉग गुड़ियों का घर खेलते हैं? प्यारी पेपा, तुम्हारा मनपसंद खेल क्या है? मिट्टी के गड्ढों में खेलना। हाँ, फ्रॉग्स को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में खेलना। हाँ जॉर्ज, चलो फ्रॉग बन जाते हैं। मैं छोटी फ्रॉगी हूँ। मैं छोटी फ्रॉगी हूँ। फ्रॉगीज को खेलने के लिए एक अच्छा बड़ा मिट्टी का गड्ढा मिल गया। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सबको मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। बटरफ्लाईज और वर्म्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे फ्रॉग ज्यादा अच्छे लगते हैं। स्नो। आज पेपा और जॉर्ज बहुत खुश हैं। बाहर बर्फ गिर रही है। मम्मी, क्या हम बाहर बर्फ में खेल सकते हैं? हाँ, पर बाहर बहुत ठंड है, तो गर्म कपड़े पहन कर जाओ। अपनी कैप्स, स्कार्फ और ग्लव्स भी पहन कर जाना। बाहर बहुत ठंड है। पेपा और जॉर्ज को कैप्स, स्कार्फ्स और ग्लव्स पहनने होंगे। चलो जॉर्ज। पेपा और जॉर्ज बर्फ में पैरों के निशान बना रहे हैं। पेपा और जॉर्ज को बर्फ में पैरों के निशान बनाना बहुत पसंद है। ओ, ये क्या? इसमें हंसने वाली क्या बात है? जॉर्ज, चलो बर्फ के गोले बनाते हैं। पेपा ने एक स्नोबॉल बनाया है। पेपा और जॉर्ज को बहुत मजा आ रहा है। वापस आ जाओ जॉर्ज के बच्चे। ओहो, लगता है कि खेल थोड़ा ज्यादा रफ हो गया। सॉरी जॉर्ज। जॉर्ज, चलो स्नोमैन बनाते हैं। पेपा और जॉर्ज एक स्नोमैन बना रहे हैं। पहले उन्होंने उसका शरीर बनाया। जॉर्ज, ये स्नोमैन का शरीर है। अब वो स्नोमैन का सिर बनाएंगे। अब इसे चाहिए हाथ, आंख और एक मुंह। जॉर्ज को स्नोमैन के हाथों के लिए लकड़ियां मिली हैं। पेपा को स्नोमैन की आंखों के लिए और मुंह के लिए पत्थर मिले हैं। ये इसका चेहरा है। अब स्नोमैन को नाक की जरूरत है। स्नोमैन की नाक बनाने के लिए पेपा गाजर लेकर आई। स्नोमैन बहुत खुश लग रहा है, पर शायद उसे थोड़ी ठंड लग रही है। स्नोमैन को ठंड लग रही है, उसे कपड़े चाहिए। स्नोमैन को गर्मी दिलाने के लिए जॉर्ज को कुछ कपड़े मिले हैं। स्नोमैन ने पहनी अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स। मम्मी, डैडी, आइए और देखिए। मम्मी ने पहनी है अपनी टोपी, स्कार्फ और ग्लव्स। मैंने आज से पहले इससे अच्छा स्नोमैन कभी नहीं देखा। डैडी पिग को ठंड लग रही है,
उन्होंने अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स नहीं पहने। डैडी, आपने अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स क्यों नहीं पहने? मुझे पता नहीं वो कहाँ है, कहीं मिल ही नहीं रहे। शायद मुझे पता है कि डैडी की कैप, स्कार्फ और ग्लव्स कहाँ है। डैडी की कैप, स्कार्फ और ग्लव्स स्नोमैन ने पहने हैं। गाड़ी की सफाई। डैडी पिक पूरे परिवार को गांव में घुमाने ले जा रहे हैं। चलो चले, सब लोग तैयार हैं? तैयार है। हाँ डैडी पिक, हम तैयार हैं। पर गाड़ी तैयार नहीं, देखो कितनी गंदी है। ओह, इतनी गंदी नहीं है, अंदर से देखो ज्यादा गंदी है। शरारती गंदे डैडी। शरारती गंदे डैडी। जरा ये सब कचरा तो देखिए। अखबार, वो मेरे हैं। चॉकलेट, वो मेरे हैं। मिस्टर डायनासोर, डायनासोर। घूमने जाने से पहले हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए। ओह, सही कह रही हो मम्मी पिग। मम्मी, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हें करनी हो तो। डैडी पिग गाड़ी धोने के लिए साबुन वाला गुनगुना पानी लाए। डैडी पिग छत धो रहे हैं। मम्मी पिग बोनेट धो रही है। पेपा दरवाजे धो रही है। जॉर्ज को खिड़कियां धोनी हैं, पर वो बहुत छोटा है। बेचारा जॉर्ज, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओहो, जॉर्ज ने अपना स्पंज मिट्टी के गड्ढे में गिरा दिया। जॉर्ज, तुम गाड़ी को दोबारा गंदा कर रहे हो। मैं मिट्टी को धो देती हूँ। पापा, वो पानी गंदा है। ओफो, पापा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। कोई बात नहीं, हम बगीचे के पाइप से उसे धो देते हैं। हाँ, हाँ। क्या मैं पाइप पकड़ सकती हूँ? पेपा ने पाइप पकड़ी और डैडी पिग ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है? पेपा, रुको। सॉरी मम्मी। डैडी पिग, प्लीज पानी बंद कर दीजिए। लो अभी किए देता हूँ। ओहो, सब भीग गए। चलो, अब कार तो धुल गई। हम सब भी धुल गए। जाओ अपने आप को सुखा लो, मैं गाड़ी पॉलिश कर लेता हूँ। बाद में मिलते हैं। मिलते हैं बाद में। डैडी पिग इतनी अच्छी तरह से गाड़ी पॉलिश कर रहे हैं कि उसमें उनका चेहरा दिख रहा है। कितना मजेदार चेहरा है ना? ओ, और भी मजेदार चेहरे। ये तो पेपा और जॉर्ज हैं। और मम्मी पिग भी। कितनी सुंदर चमकीली गाड़ी है ना? हाँ, मैं इन सारी चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। चलो, आज मैं चलाऊंगी। क्या सब तैयार हैं? तैयार। तो फिर चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम सब आज ये गाड़ी साफ रखोगे। हाँ मम्मी पिग। हाँ मम्मी पिग। मम्मी, अब आपने गाड़ी फिर से गंदी कर दी।
शरारती मम्मी। शरारती गंदी मम्मी। बैले क्लास। पेपा अपनी पहली बैले की क्लास में जा रही है। ये है मैडम गजेल, बैले की टीचर। ओहो, तो तुम हो छोटी पेपा। मैं हूँ मैडम गजेल। हेलो मैडम। ओह, कितनी प्यारी हो तुम। तुम्हारा इस बैले क्लास में तहे दिल से स्वागत है। मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगी। बाय बाय। मजे से सीखो। ये रहे पेपा के दोस्त, कैंडी कैट, सूजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। बच्चों, आज एक नई स्टूडेंट आई है, पेपा पिग। जाओ पेपा, अपने दोस्तों से मिलो। हेलो दोस्तों। हेलो पेपा। पेपा, हम शुरू करेंगे डेमी प्लिए से। डेमी प्लिए। अब एक छोटा जंप। पटी जीते। नजाकत और सुंदरता से पटी जीते। नजाकत और सुंदरता। पटीशते नजाकत और सुंदरता। बैले की क्लास बहुत मजेदार है। अपने हाथ ऊपर उठाओ। ऐसा सोचो कि तुम एक खूबसूरत हंस हो। और तुम्हें क्या लगता है हंस कैसी आवाज करेगा? वाह! नजाकत और सुंदरता। पापा को नाचना बहुत पसंद है। सबको नाचना बहुत पसंद है। मम्मी मम्मी, हम सब ने हंसों की तरह डांस किया। पेपा ने बहुत अच्छा किया। मैंने बहुत नजाकत से और सुंदरता से डांस किया। शाबाश। मैं आपको दिखाऊं मैंने कैसे डांस किया। पहले घर चलते हैं, फिर तुम डैडी पिग को और जॉर्ज को और मुझे दिखाना। बाय बाय। पेपा और मम्मी पिग घर आ गए हैं। डैडी, जॉर्ज, मैं आपको दिखाऊंगी बैले कैसे करते हैं। क्या वो मुश्किल है? मेरे लिए तो बहुत आसान था, पर आपके लिए, जॉर्ज और मम्मी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। पहले हमें चाहिए म्यूजिक। गुड। अब जॉर्ज, डैडी और मम्मी, आप वैसा कीजिए जैसा मैं करती हूँ। मैडम गजेल ने मजेदार शब्द बोले, पर असल में सिर्फ घुटनों को मोड़ना होता है और जंप करना है। डैडी, आपको वो शब्द पता है? हो, क्योंकि मम्मी पिग और मैं बैले करते थे। सावधानी से डैडी पिग। हमें सबसे ज्यादा पसंद था पैटर। मुझे शायद ठीक से याद नहीं रहा। बुद्धू डैडी पिग। शायद हमें पेपा को ही बैले करते देखना चाहिए। हाँ, मैं उसमें सबसे अच्छी हूँ। मैं एक खूबसूरत हंस हूँ। पेपा और जॉर्ज गार्डन में खेल रहे हैं।
पेपा, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? ओह, वो खो गए। मुझे लगता है हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। शायद हमें गार्डन में ढूंढना चाहिए। हाँ। सब पेपा के जूते ढूंढ रहे हैं। मम्मी पिग फूलों में ढूंढ रही हैं। पेपा के जूते वहाँ नहीं हैं। ओह। डैडी पिग व्हील बैरो में ढूंढ रहे हैं। पेपा के जूते वहाँ भी नहीं हैं। ओह। पेपा और जॉर्ज गमलों में ढूंढ रहे हैं। पेपा के जूते वहाँ भी नहीं हैं। हमने सब जगह देखा, लेकिन पेपा के जूते कहीं नहीं मिले। पेपा के जूते खो गए। अब मेरे पास पहनने के लिए कोई जूते नहीं है। बेचारी पेपा, तुम्हारे जूते पुराने हो गए थे। हम नए जूते ले आएंगे। क्या मेरे नए जूते लाल होंगे मम्मी? बिल्कुल लाल होंगे। जॉर्ज, मैं नए लाल जूते लेने जा रही हूँ। मम्मी पिग और पेपा मिस रैबिट्स की जूतों की दुकान में हैं। हेलो मिस रैबिट। हेलो मम्मी पिग। हमें पेपा के लिए नए जूते खरीदने हैं प्लीज। लाल जूते। जरूर, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ प्यारे जूते हैं पेपा। लाल जूते प्लीज। बिल्कुल, लाल जूते। वाव, नए लाल जूते। जॉर्ज और डैडी पिग ड्रॉट्स खेल रहे हैं। ओह, शाबाश जॉर्ज। डैडी, डैडी, मेरे नए जूते देखिए, ये लाल हैं। ओह हाँ, ये लाल हैं। मम्मी, आपको अच्छे लगे मेरे नए जूते? हाँ पेपा, इनमें तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो। जॉर्ज, तुम्हें मेरे नए जूते अच्छे लगे? सबको पेपा के नए जूते अच्छे लगे। मुझे अपने नए जूते इतने अच्छे लगे हैं कि मैं उन्हें कभी कभी नहीं उतारूंगी। ये नहाने का समय है। पेपा ने नहाते हुए भी अपने नए जूते नहीं उतारे हैं। पेपा ने अपना पैजामा पहन लिया, लेकिन उसने अभी भी अपने नए जूते पहन रखे हैं। पेपा बिस्तर में भी अपने नए जूते पहनना चाहती है। पेपा, क्या तुम पक्का अपने जूते नहीं उतारना चाहती? मैं अपने नए जूते कभी नहीं उतारूंगी मम्मी। ठीक है, गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट मेरे छोटे बच्चों। पूरी रात बारिश होती रही और अब गार्डन बहुत गीला है। मम्मी पिग ने अपने बूट्स पहने हैं, डैडी पिग ने भी अपने बूट्स पहने हैं, जॉर्ज ने भी अपने बूट्स पहने हैं, पेपा ने अभी तक अपने नए लाल जूते पहन रखे हैं। जॉर्ज गीली घास में खेल रहा है। ओह डियर, पेपा को गीली घास में खेलना अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने नए जूते गीले नहीं करना चाहती। मैं गीली घास में नहीं खेल सकती जॉर्ज। जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढों में कूदना पसंद है। पेपा को गड्ढों में कूदना पसंद है, लेकिन वो अपने नए जूते मिट्टी में गीले नहीं करना चाहती। मम्मी और डैडी को मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सबको मिट्टी के गड्ढों में कूदना अच्छा लगता है। ये पेपा कहाँ जा रही है? पेपा अपने बूट्स पहन रही है। अगर मिट्टी के गड्ढों में कूदना है तो तुम्हें बूट्स पहनने चाहिए। Flying a kite. ये चमकता हुआ एक सुनहरा दिन है। पेपा और उसका परिवार पार्क में है। वो एक पतंग उड़ाने वाले हैं। पहले जॉर्ज पतंग उड़ाएगा। जॉर्ज बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन उसकी पतंग नहीं उड़ती। जॉर्ज, तुम सब गलत कर रहे हो।
बहुत तेज नहीं दौड़े। अब मेरी बारी है। पेपा बहुत तेज दौड़ती है लेकिन पतंग अभी भी नहीं उड़ी। बाहर हवा नहीं है तो पतंग नहीं उड़ेगी, चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ लो। जब तक थोड़ी हवा ना चले हम सबको इंतजार करना होगा। देखो हवा चल रही है। अब जबकि हवा चल रही है तो पतंग उड़ सकती है। अब हवा काफी तेज है। अब हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। शुक्रिया डैडी। डैडी पिग पतंग उड़ाते हैं। और ऊपर और ऊपर। डैडी पिग बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं। वाओ। मैं इन चीजों में थोड़ा माहिर हूँ। उन पेड़ों से बचो, तुम्हारी पतंग उनमें फंस सकती है। चिंता मत करो, मुझे मालूम है क्या करना है। ओह डियर, डैडी पिग की पतंग एक पेड़ में अटक गई। ओ नहीं। ओ। ओ। चिंता मत करो जॉर्ज, डैडी पतंग को नीचे उतार लेंगे। हाँ। ध्यान से, वहाँ एक बड़ा मिट्टी का गड्ढा है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में कूदना अच्छा लगता है। हम गड्ढे में कूद सकते हैं? प्लीज। मैं नहीं चाहती तुम मिट्टी में गंदे हो जाओ। ओ। पीछे रहो बच्चों। जरा ध्यान से डैडी पिग। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जरा ध्यान से। बस थोड़ा सा और डैडी। डैडी पिग, तुम इस टहनी से काफी ज्यादा भारी हो। रहने दो, मैं जानता हूँ मैं इसे कितना भारी हूँ। हुर्रे! डैडी पिग ने पतंग को उतार लिया। ओह डियर, सब के सब मिट्टी में सन गए। ये तो सिर्फ मिट्टी है। अच्छा हुआ डैडी पिग को कोई चोट नहीं आई और पतंग पेड़ से निकल आई। हुर्रे! मम्मी, अब हम गंदे हो गए हैं तो क्या हम मिट्टी में कूद सकते हैं? हाँ ठीक तो है, अब तुम इससे ज्यादा गंदे तो हो नहीं सकते। और मुझे लगता है धुलाई का काम डैडी करने वाले हैं। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। मम्मी और डैडी को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सभी को गड्ढों में कूदना अच्छा लगता है। गड्ढों में ऊपर नीचे कूदने में उतना ही मजा है जितना पतंग उड़ाने में।